क्या आपको पजल्स अच्छे लगते हैं? मैंने आपसे ये पूछा क्योंकि आज हम एक क्रॉसवर्ड हल करना सीखेंगे, जो कि एक तरह का पजल ही होता है। एक क्रॉसवर्ड में ब्लॉक्स बने होते हैं, तिरछे नहीं तो नीचे की दिशा में। दिए गए हिंट्स की मदद से हमें इन ब्लॉक्स को शब्दों से भरना होता है, या तो तिरछा नहीं तो नीचे की दिशा में। इधर में हिंट्स हिंदी के शब्द हैं जिनके आपको इंग्लिश वर्ड्स लिखने हैं। यह जानने के लिए कि किस शब्द को कहाँ भरना है, आप ब्लॉक्स और हिंट्स दोनों के आगे लिखे नंबर को देखकर पता कर सकते हैं। यह सब आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और मुश्किल हो सकता है, पर चिंता ना करिए, हम एक उदाहरण देखेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि यह कैसे किया जाता है। तो दिए गए क्रॉसवर्ड में हमें तीन तिरछे और तीन नीचे की दिशा के ब्लॉक्स भरने हैं, जिनके हिंट्स इधर दिए हुए हैं। चलिए हम पहले तिरछे दिशा के ब्लॉक्स को भरते हैं बारी बारी से। तो हमें इसमें पहला हिंट दिया है क्या? इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है वॉट, और इसको हम जहां एक लिखा है उधर लिखेंगे, वो भी बाएं से दाएं की दिशा में। उसी प्रकार हमें दूसरा हिंट दिया हुआ है बहादुर, जिसका इंग्लिश क्या होता है? ब्रेव, और इसको भी हम लिखेंगे जहां दो लिखा है वहां पर, और इस बार भी बाएं से दाएं की डायरेक्शन में। चलिए अब नीचे वाले ब्लॉक को भरते हैं। तो आप देखें तो चार नंबर का हिंट जो नीचे दिशा वाले ब्लॉक के लिए है वो है हंसना, जिसका इंग्लिश है लाफ। तो हम लिखेंगे लाफ जहां चार लिखा है, पर अब की बार ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में। ऐसे ही हम बाकी को भी हल करेंगे तो उत्तर यह आएगा। प्लीज वीडियो पॉज करके सारे उत्तर देखें कि वह सही है कि नहीं, और अगर आपको कोई भी सवाल हो आपका तो आप अपने ऑनलाइन टीचर की मदद ले सकते हैं, जिससे यह बहुत ही मज़ेदार पज़ल आप इस सेक्शन में जो दिया है उसे हल कर सकें।